हेलो गाइस, सबका जय हिंद, राम राम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, क्या आप भी फौजी बनना चाहते हो? क्या आप भी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो? और आप लोग बहुत सारा कमेंट करता है कि सर वैकेंसी कब आ रहा है, न्यू वैकेंसी कब आ रहा है। तो फाइनली गाइस, आप लोग का इंतजार का घड़ी आ चुका है। तो आसान रफोल का न्यू वैकेंसी आ गया है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक एक एक करके समझ लेना, ये वीडियो, ये जो वैकेंसी आया है ये किस किस के लिए लागू है और कितना पोस्ट है, ये मेल फीमेल, मेल के लिए कौन सा पोस्ट लागू है, फीमेल के लिए कौन सा पोस्ट लागू है, ये ट्रेडमैन जीडी दोनों एक साथ आ चुका है। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कर लेना, तो वीडियो को धीरे धीरे समझ लेना कि क्या बोल रहा हूँ, क्या क्या वैकेंसी आया, तो पूरा डिटेल इस वीडियो के द्वारा बताने वाला हूँ। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं होगा लेकिन नॉलेजेबल तो होगा, तो आप लोग प्लीज वीडियो को देख लेना। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अगर इस चैनल पे नया आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। प्लीज गाइस, आप लोग वीडियो को देखते देखते सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, और एक लाइक तो कर ही देना। उसको सब्सक्राइब करने में आपको कुछ पैसे नहीं जाएगा, जो नीचे आप लोगों को लाल कलर का सब्सक्राइब दिखाई दे रहा है वहां पे जाके एक बार टैप कर लो बस। थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ने से ना मोटिवेशन मिलता है, तो और अच्छा अच्छा वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को ड्यूटी के दौरान कितना ड्यूटी करने के बाद भी आपको वीडियो अपडेट देते रहता हूँ कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है। तो पूरा वैकेंसी के बारे में मैं पूरा डिटेली मेरे चैनल पे आप लोग को मिलती रहती है, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन की ओर। तो गाइस, सबसे पहले वैकेंसी की बात करते हैं कि कौन सा पोस्ट में कितना कितना वैकेंसी है। तो सबसे पहले रफलमैन जनरल ड्यूटी फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, मतलब मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए उपलब्ध है, कितना है 87। उसके बाद हवलदार क्लर्क फॉर मेल एंड फीमेल, हवलदार क्लर्क के लिए आपको कितना है वैकेंसी, 15 वैकेंसी है। उसके बाद वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट पीए, जो पीए बोलते हैं, फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, उसका है 1। उसके बाद जो वारंट ऑफिसर है, ये वारंट ऑफिसर आपको जैसे डायरेक्ट नहीं मिलता है, लेकिन ये अभी डायरेक्ट पीए वन डायरेक्ट बनेगा ये, क्योंकि वारंट ऑफिसर बनने के लिए आपको हवलदार बनना पड़ेगा। उसके बाद सिपाही से, जो जीडी से वारंट ऑफिसर बनता है, उसके बाद हवलदार बनता है, हवलदार बनने के बाद ही वारंट ऑफिसर बनता है, लेकिन ये डायरेक्ट भर्ती हो रहा है। उसके बाद ये राइफलमैन इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल, ये EFS फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, जो इलेक्ट्रिशियन होता है, ये इलेक्ट्रिशियन होता है, इधर इसका है सिर्फ 1 वैकेंसी। उसके बाद राइफलमैन लाइनमैन फील्ड लाइनमैन है ये फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, ये भी कितना है 1 ही है। उसके बाद वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक RM मेल कैंडिडेट ओनली, कितना है 2, ये भी वारंट ऑफिसर है, ये क्या है, ये रेडियो मैकेनिक वाला, ये जो सिग्नल का होता है ये वैकेंसी। उसके बाद राइफलमैन आर्मरर फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, ये एक ही वैकेंसी है, जो आर्मरर, जो ये आर्म्स अमुनिशन होता है, जो हथियार का जो वो करता है, आप लोग आएगा तो पता चल जाएगा, ये आर्मरर, उसका वैकेंसी सिर्फ 1 है। उसके बाद राइफलमैन इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक व्हीकल, जो EMV बोलते हैं, फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, ये क्या होता है, ये जो मैकेनिक्स, जो इंजीनियर टाइप का, ये मैकेनिक्स है गाड़ी का, जो ठीक करने वाला ये होता है, उसका वैकेंसी है 1। उसके बाद राइफलमैन व्हीकल मैकेनिक VM, जो ये भी, ये फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, ये भी 1 है, ये भी गाड़ी का जो मैकेनिक वाला है। उसके बाद राइफलमैन इलेक्ट्रिशियन फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, ये सिर्फ क्या इलेक्ट्रिशियन है, ये जो पहले आया था, ये वो भी इलेक्ट्रिक फिल्टर सिग्नल, वो तो सिग्नल वाला था, लेकिन ये सिर्फ लाइन का, जो भी यूनिट के अंदर जो भी लाइन का काम होगा ये वही काम करेगा।
उसके बाद रेफोलमैन प्लम्बर फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, उसका है वैकेंसी एक। जो प्लम्बर जो पानी का काम करता है, जो पाइप साइप काम, पाइप साइप लगाना कहीं कहीं, जितना पाइप पानी वाला जितना काम है, कहाँ से पानी लाना, कहाँ से पानी कितना बांटना बूटना, ये काम होता है। उसके बाद आपको वारंट ऑफिसर फार्मासिस्ट फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए उपलब्ध है, कितना है एक। ये वारंट ऑफिसर फार्मासिस्ट जो ये मेडिकल में होता है, ये मेडिकल का रैंक होता है। उसके बाद हवलदार एक्सरे असिस्टेंट फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, ये सिर्फ क्या मेल कैंडिडेट के लिए लागू है, कितना वैकेंसी है एक है। जो एक्सरे ये भी मेडिकल का। उसके बाद राइफलमैन फीमेल अटेंडेंट फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, उसके बाद राइफलमैन बार बार फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, जो बार बार आप लोगों को पता है सिर्फ कितना वैकेंसी है तीन है इसमें, जो बार बार होता है उसका तीन, ये सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। उसके बाद राइफलमैन कुक फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, कितना है छः है, कुक के लिए आपको छः वैकेंसी उपलब्ध है। उसके बाद राइफलमैन इक्विपमेंट एंड बूट रिपेयर ईवीआर फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, जो ईवीआर जो जूता सूता फट फूट जाता है तो जूता को सिला सुला देता है, ईवीआर जो काम आप लोगों को पता होगा जो ये है ईवीआर, कितना है वैकेंसी दो है, और सिर्फ ये मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। उसके बाद राइफलमैन सफाई फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, और ये जो सफाई वाला होता है, ये जो यूनिट का एरिया में जो साफ सफाई करने वाला, रूम साफ सफाई करने वाला, ये सफाई वाला, उसका कितना वैकेंसी है चार है, और ये सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। उसके बाद राइफलमैन वॉशरमैन फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, जो राइफलमैन वॉशरमैन जो कपड़ा धोने वाला, जो भी आप लोग का कपड़ा धोएगा ये जो भी हो वो कपड़ा धोने वाला ही वही काम होता है, कपड़ा धो के प्रेस मार के आपको दे देता है, इसका वैकेंसी कितना है तीन है, और सिर्फ ये मेल कैंडिडेट्स ओनली। तो गैस अभी मैं बताना चाहूँगा इसका लास्ट डेट कब है, इसका लास्ट डेट है 1 मार्च 2021 में, ये अभी शुरू हो गया और 1 मार्च से आपको ये लास्ट डेट, 1 मार्च से बाद आपको भेजेगा तो आपको एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये भर्ती किस किस के लिए लागू है अभी मैं फाइनली बताता हूँ। ये डिस रिकमेंड एप्लीकेबल फॉर एलिजिबल डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ऑफ आसाम राइफल पर्सनल किल्ड इन एक्शन डैट विल इन सर्विस डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन मेडिकल ग्राउंड्स एंड मिसिंग विल इन सर्विस। तो ये दोस्तों ये उसी के लिए है जो आपको कोई चीज़ कोई आपको ऑपरेशन में मारा गया है, तो उसका जो भी हो रिलेशन का लड़का या लड़की जो भी हो, या उसका फैमिली भी होता है जो जिसका एज होता है एज रहता है। उसके बाद कोई सर्विस के दौरान आपको किसी कारणवश मर गया, और उसके बाद जो डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन मेडिकल, जो मेडिकल के थ्रू उसको डिस्चार्ज भेजा गया है, या उसके बाद मिसिंग विल इन सर्विस, उसका लड़का या लड़की या फैमिली, वो भर्ती हो सकता है इसमें। तो ये आपको जो रैली होगा आपको 6 अप्रैल 2021 में ये आपको रैली शुरू हो जाएगा। कहाँ होगा ये, जो आपका शिलोंग में जो आसाम राइफल डीजीआर होता है, डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल लाइट कोर शिलोंग मेघालय का, मेघालय स्टेट है, मेघालय जो गुवाहाटी में आता है, गुवाहाटी से उतरने के बाद आपको शिलोंग के लिए गाड़ी मिल जाता है, तो उस शिलोंग उस जगह में जाके आपको लाइट कोर में जाना है, उधर आपका रिक्रूटमेंट रैली शुरू हो जाएगा। कितना तारीख, 6 अप्रैल को आप लोगों
शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग और डिटेल ही जानना चाहते हो तो अब उस ऑफिशियल वेबसाइट है www.assamrifles.gov.in, यहाँ पे जाके क्लिक करके आप लोग सर्च कर सकता है, आपको जो भी है आपको पूरा डिटेल ही पता लग जाएगा। अभी तक तो किसी किसी को पता लग गया होगा और किसी को पता नहीं लगा होगा। रही डॉक्यूमेंट की बात, अभी डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए आपको ये मैंने आपको बताता हूँ। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशन एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा पब्लिक टेक्निकल पब्लिक ITI सर्टिफिकेट एस एप्लीकेबल ऑफ द ट्रेड इन अकॉर्डेंस विथ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट, आप लोग समझ गया होगा। उसके बाद ये जेरोस कॉपी, जो वन जेरोस कॉपी करके पूरा जितना डॉक्यूमेंट है उसका जेरोस कॉपी लाना है। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी, ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो लेके आ जाना, जो ये VM वाला है उनके लिए ये ज़रूरत है। उसके बाद आपको जो भी हो इस जगह पे आपके आसाम राइफल्स, जो भी आप अधिक जानकारी के लिए आप उसमें assamrifles.gov.in में आप सर्च करके पूछ सकते हो, उधर चेक कर सकता है। तो गाइस आप लोग समझ गया होगा ये वैकेंसी किसके लिए लागू है। तो आप लोग जो जो इस कैटेगरी में नहीं आता है तो आप लोग के लिए भी खुशखबरी आ जाएगा। मार्च तक आपको और नया नया वैकेंसी आएगा तो आप लोग को अपडेट देता रहूंगा। तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करके रख देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम आईडी DKR05, यहाँ पे जाके फॉलो करके आप पूछ सकते हो कुछ भी क्वेश्चन है। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगर न्यू वैकेंसी आएगा जो भी आएगा तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, ट्रेनिंग के बारे में नहीं बताया था तो नेक्स्ट वीडियो के मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।